माय डियर स्टूडेंट, तीसरे क्वेश्चन में हम लोग स्वागत कर रहे हैं आपका। ये मैट्रिक्स है, क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू की बात की गई है। ऐसा आसान क्वेश्चन पूछा, पहली बात मैं कर लूँ कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू वाला जो क्वेश्चन था, जैसे आप मैकेनिकल का फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, मतलब ये हो रहा है कि गेट जो 2019 का 2 फरवरी का पेपर था, सेम क्वेश्चन 9 फरवरी को आ रहा है, तो बोल सकते हैं ना कि गेट में क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो गया। खैर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी तो हमारे पास आ रहा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। पहले तो बात कर लेते हैं कि आइगन वैल्यू की बात अगर करें तो बहुत ही इत्मीनान के साथ अगर आप देख रहे हो, ठीक है, मैं आराम से बात करता हूँ। और मैं थोड़ा सा आपके लिए और भी बात करूँ, पहली बात ये मैकेनिकल में मैं बात कर रहा हूँ, अगेन मेरे को दिख रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड में आया, सेकंड मैंने पेपर देखा केमिकल का, वहां भी था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड में पहुंचा, सीएस ब्रांच में घुसा, वहां भी था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मजाक हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे को दिख रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और हो सकता है कि सेकंड हाफ में इलेक्ट्रिकल के पेपर में भी क्या दिखेगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और 10 तारीख सिविल के दोनों पेपर में हो सकता है दिखे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बात कर लेते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो हो सकता है मद्रास में जो पेपर फ्रेम अभी हो रहा है 2019 में, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उनका फेवरेट हो, ठीक है। अगर देख रहे हैं यहाँ पे तो मेरे को क्या दिख रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो चीजों की बात करते हैं, पहला आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू इज वॉट, द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। आइगन वैल्यूज आर द एलिमेंट्स, विच एलिमेंट्स और वॉट एलिमेंट्स, वी कैन से द डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहां पर क्या हो रहा है, डायगोनल एलिमेंट क्या है, डायगोनल एलिमेंट क्या मेरे पास है, डायगोनल एलिमेंट 1, 2, 3, 2, 4 मेरे पास आइगन वैल्यू, 4x4 का मैट्रिक्स था, बिल्कुल 4 आइगन वैल्यू चाहिए थी। अब डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग बात कर ले, तो भैया 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, और ये 2 जो है वो सेम है, तो इसको हम डिस्टिंक्ट से कैंसिल कर रहे हैं। आंसर मेरे पास आ रहा है 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। एक नोट करके और पॉइंट लिख लिया, पूछा नहीं था बट आपको पता होना चाहिए कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करता हूं तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। अगर पूछ लेता कि प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट या फिर इसमें बोलता डिटर्मिनेंट क्या है, तो मल्टीप्लाई कर देते, तो 1 × 2 हो जाता, 3 × मल्टीप्लाई हो जाता और 2, तो आपके पास आंसर हो जाता। अभी यहाँ पूछा डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट काउंट करो, डिस्टिंक्ट अलग अलग, ये 2 सेम था, हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया, तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू शुड बी 3। थैंक यू सो मच।